आदरणीय में आपका स्वागत है। मैं हूं पिंटू। अब रुख करते हैं दिन भर की ताजा खबरों के साथ, तो बने रहे आराधना न्यूज से। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था नई दिशा परिवार के तत्वाधान में आज गिरिराज उत्सव पैलेस पटना सिटी के सभागार में कोरोना योद्धाओं को सम्मान प्रतीक चिन्ह स्वाल एवं प्रमाण पत्र देकर किया गया। समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी व संस्था के मुख्य संरक्षक राजेश बल्लभ उर्फ मुन्ना यादव ने की। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार निशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी विजय गुप्ता एवं ओम प्रकाश शामिल हुए। आगत अतिथियों का स्वागत संयोजक कमल नयन श्रीवास्तव ने किया। कोरोना संक्रमण काल में कोरोना के साथ जीने का संकल्प लेकर पूर्ण तथा सामाजिक दूरी एवं मास्क का अनुपालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। संचालन सचिव राजेश राज ने किया। कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित होने वालों में डॉक्टर शिवाजी कुमार, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर अवधेश शर्मा, कुमारी आभा, NMCH ओम प्रकाश, नितिन कुमार, डॉक्टर कक्षानाज, लोक गायिका नीतू कुमारी नवगीत, विजय गुप्ता, मोहम्मद नसीम अख्तर शायर, कपड़ा बैंक पटना सिटी के अध्यक्ष विकास कुमार रजक, साई की थाली से अशोक शर्मा, ऋषिकेश कुमार, हंसाली कन्हाई पटेल, कौशल कुमार, सिवान जिला के पुलिसकर्मी प्रिया राजहंस शामिल हैं। इस अवसर पर वक्ताओं ने कोरोना संकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना तथा अन्य जरूरी हितायतों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील लोगों से की, ताकि कोरोना को हराया जा सके। पटना सिटी के पत्रकारों व मीडिया कर्मियों को भी उल्लेखनीय सेवा के लिए उन्हें भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सर्वश्री सपना रानी, सनी कौशल, संजना, देवेंद्र यादव, मनोज गुप्ता आदि सक्रिय रहे। आभार ज्ञापन ऋतुराज ने किया। सिविल सोसाइटी के लोग और नई दिशा परिवार जैसे NGO सरकार का साथ दे रही है। सरकार अकेले सारा कुछ नहीं कर सकती, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग, वॉलेंटियर, समाज के लोग, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, सभी लोगों ने अपना अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, निभा रहे हैं, जो सरकार रिकॉग्नाइज करती है। और एज ए स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी होने के नाते समाज कल्याण विभाग सरकार ऐसे कोरोना वॉरियर्स को भी रिकॉग्नाइज करती है, उनको बधाई देती है कि COVID-19 लॉकडाउन के दौरान उन्होंने काम किया। ऐसे संस्थाओं को भी उम्मीद करते हैं कि अभी कोरोना का प्रकोप गया नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और आने वाले समय में और ज़्यादा मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है कि जो कोरोना को हम लोग वॉरियर के माध्यम से और हरा सके। और ऐसे कोरोना वॉरियर्स और जो बचे हैं जिनको रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए, इनको भी सम्मानित करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो नई दिशा परिवार और ऐसे लोगों को सम्मानित करेगी और सरकार सभी जो वॉरियर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बधाई देती है और ऐसे संस्थाओं को भी हम सरकार की ओर से जब सम्मान दिया गया है तो और तेज़ी से, मुस्तैदी से और 2-3 महीने जो जब तक ये इस तरह का प्रकोप है और मेहनत करने की आवश्यकता है और मदद करने की आवश्यकता है। सरकार भी इनके साथ कदम में कदम मिलाकर काम करने की